मित्रों, प्रेम वही है जो हृदय की गहराई से किया जाता है और जिसमें हम की भावना हो, मैं की नहीं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। हम बात करेंगे टी नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप टी नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, सबसे पहले हम संक्षेप में जानेंगे कि टी नाम वाले कैसे होते हैं, उसके बाद टी नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि टी नाम वाले लोग कैसे होते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और निरंतर कुछ न कुछ सीखने की चाहत इनमें रहती है। अगर कहीं से भी कुछ भी नया सीखने को मिले तो ये उसको सीखते रहते हैं। बड़ों के प्रति हो या छोटों के प्रति हो, ये सम्मान रखते हैं, यानी सामने वाले व्यक्ति को पूरा सम्मान देते हैं। लेकिन कई बार ये छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर लेते हैं। जिन बातों में इनको क्रोध नहीं करना चाहिए उन बातों पर भी क्रोध कर लेते हैं, यानी कहें तो इनका स्वभाव क्रोधी हो जाता है। इन्हें अपने मित्रों और संबंधियों पर बहुत विश्वास होता है, दूसरों की सहायता करके खुश होते हैं। सज्जन विशाल हृदय वाले यानी उदारवादी लोग होते हैं, अपने विचारों के हठी होते हैं। जब वे क्रोधित होते हैं तो अड़ियल स्वभाव के हो जाते हैं, फिर झुकते नहीं हैं, परंतु जल्दी ही इनका क्रोध शांत भी हो जाता है। इनको ऊपरी दिखावा ज़्यादा पसंद नहीं होता है और ये अत्यंत पराक्रमी होते हैं तथा कुछ इनमें अहंकार भी देखा जाता है। अपने माता पिता को खुश रखने वाले होते हैं, अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं, दिल से जीने वाले लोग होते हैं, बड़े ही भावुक लोग होते हैं, छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों से दुखी भी हो जाते हैं। मजाक की बातें भी कई बार इनको बहुत ही बुरी लग जाती हैं, लेकिन अगर इनके अपने घर में कोई ऐसी बातें करे तो सहन भी कर जाएंगे, लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति इनसे मजाक में भी कुछ बुरा बोल दे तो इनको बहुत ही बुरा लग जाता है। फिर ये उन बातों को कभी भी भूलते नहीं हैं और ना ही उस व्यक्ति को कभी ये माफ़ कर पाते हैं। वक्त आने पर ये उससे बदला लेने के भी प्रयास करते रहते हैं, आसानी से माफ़ नहीं करते हैं। अच्छों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और बुरे लोगों को माफ़ नहीं करने वाले लोग होते हैं। इनके मित्र कम होते हैं, जो होते हैं वो प्यारे मित्र होते हैं, उनसे पूरी मित्रता ये निभाते हैं। ये लोग, इनके विचारों में न्यायप्रियता होती है। दाम्पत्य जीवन को लेकर काफ़ी गंभीर होते हैं और अपनी संतान से बहुत प्रेम करते हैं, अपने साथी के प्रति भी बहुत उदार होते हैं। माता पिता और भाई बहन के साथ इनके संबंध अच्छे होते हैं और उनकी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं। इनकी महत्वाकांक्षाएँ काफ़ी बड़ी होती हैं और इनके अंदर क्रोध और छोटी छोटी बात पर दुखी होकर काफ़ी आक्रामक भी ये लोग हो जाते हैं। स्वभाव में काफ़ी जिद्दीपन होता है और कभी कभी इनको लगता है कि जो ये कर रहे हैं या बोल रहे हैं वही सही है और उसके लिए अंत तक उस पर अड़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा प्यारे और भरोसेमंद माने जाते हैं, हमेशा चलने वाला प्रेम चाहते हैं। उनके जीवन में रोमांस आवश्यक होता है, वे चाहते हैं कि उनका साथी उनके लिए हमेशा अपना सर्वोत्तम दे। जल्दबाजी से बचते हैं, जीवन में धीरे धीरे होने वाले बदलाव के पक्ष में होते हैं, भरोसेमंद तो होते ही हैं, हमेशा अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में भी जागरूक रहते हैं। आमतौर पर अपने प्रेम को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि ये अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। भावुक और प्रेमपूर्ण प्रकृति के होते हैं, अपने जीवन साथी के लिए अपने दिल में कभी न खत्म होने वाला प्रेम रखते हैं, कभी भी किसी को अपने परिवार के किसी सदस्य का अनादर करने की अनुमति नहीं देते हैं, खराब प्रतिष्ठा बर्दाश्त नहीं कर सकते और अगर उनका कोई विश्वास तोड़ता है तो हो सकता है कि वो हमेशा के लिए उन्हें खो दे। प्रेम के मामले में बहुत जुनूनी लोग होते हैं, काफ़ी रोमांचक तो होते हैं, प्रेम के मामले में अपना दबदबा बनाकर रखना चाहते हैं। ये लोग अपने साथी को उसके पसंद का हर काम करने की आज़ादी तो देते हैं। जीवन साथी के लिए ये लोग बहुत सुरक्षात्मक लोग होते हैं। प्रेम के मामले में ये लोग काफ़ी भरोसेमंद माने जाते हैं। ये लोग साथी के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं और अगर कोई इनके विश्वास को तोड़ता है तो फिर ये उससे अपने रिश्ते खत्म कर लेते हैं। प्रेम के मामले में जल्दी प्रेम में पड़ सकते हैं, लेकिन ये सच्चे प्रेम में विश्वास रखते हैं। चाहे प्रेमी प्रेमिका हो या जीवन साथी हो, धोखा देने वाले ज़्यादातर ये लोग नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा शक की किस्म के हो सकते हैं। अपने साथी पर शक कर सकते हैं, लड़ झगड़ सकते हैं, फिर भी प्रेम सच्चा करते हैं, इसलिए अपने साथी के बगैर नहीं रह पाते। कुछ इस तरह के होते हैं टी नाम वाले। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कि टी नाम वाले लोगों को मई और जून के महीने में क्या परिणाम मिलेंगे प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में। तो सबसे पहले आपके प्रेम संबंधों की चर्चा करेंगे।
प्रेम संबंधों में परिणाम तो अच्छे ही मिलने वाले हैं। आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान भी कर सकते हैं, मुलाकातें हो सकती हैं, प्रेम संबंधों में परिणाम अच्छे मिलेंगे। लेकिन आप ध्यान रखें कि गलतफहमियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, गलतफहमियों के शिकार ना हों इस बात का ध्यान रखें, ये मेरी सलाह है आपको। और अगर आपने गलतफहमियों का ध्यान दिया तो फिर ये वाद विवाद का कारण भी बन सकती हैं, इसलिए प्रेम संबंधों में ये बात ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। हालांकि प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, भरोसा बढ़ेगा और प्रेम संबंधों में विस्तार होगा, यानी आपके प्रेम संबंध बढ़ेंगे। और अगर नए प्रेम संबंध है तो आप देखेंगे वहां पर ज्यादा अच्छे परिणाम मई और जून के महीने में आपको मिलने वाले हैं, वहां पर संबंध ज्यादा मजबूत रहने वाले हैं। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए मई का महीना ज़्यादा बेहतर है, जहां पर आप प्रस्ताव दें, आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है और आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है, यानी आपकी कोई मित्रता करना चाहते हैं तो मित्रता हो सकती है या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप सफल हो सकते हैं, यानी आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। अगर आपकी कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है प्रेम संबंधों में, यानी आपके साथी के साथ आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, कुछ दिनों से आपकी बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि आपका साथी दोबारा से आपके साथ संबंधों में आए और आप उससे दोबारा प्रेम संबंधों में आना चाहते हैं तो आप अपनी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को समाप्त करने के लिए मई के महीने में प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। हालांकि दोनों महीने अच्छे हैं पर मई का महीना ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखा रहा है, लेकिन जिन बातों को लेकर भी बात बात हुए हैं वो आपको सुलझाने होंगे, गलतफहमियां स्पष्टता से दूर करनी होंगी और अगर आपने अपने साथी के साथ कोई बातें छुपा रखी हैं तो वो भी आपको शेयर करनी होंगी, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और अगर आपने कोई गलती की है तो सॉरी बोलने में भी कुछ नहीं जाता है, लेकिन मई का महीना ऐसा है जो आपने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बदलने के लिए सही समय है, आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। तीसरे व्यक्ति की एंट्री ना दें इस बात का ध्यान रखें, वरना वाद विवाद सुलझेंगे नहीं और बढ़ जाएंगे। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं, आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो वहां पर भी मई का महीना बहुत बेहतर परिणाम दिखाएगा, मई के महीने में आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। और मई के महीने में आप अपने साथी को भी मना सकते हैं, घर परिवार को भी मना सकते हैं, वहां पर आपके प्रयास रंग लाएंगे और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एम लेटर से शुरू होता है, अंग्रेजी के टी लेटर से शुरू होता है, अंग्रेजी के एफ लेटर से शुरू होता है या फिर ये सी और एल यानी ए लेटर से शुरू होता है या सी लेटर से शुरू होता है या एल लेटर से शुरू होता है तो आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में और भी बेहतर परिणाम आपको मिलने वाले हैं मई और जून के महीने में। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में भी अच्छा समय है, लेकिन आप ध्यान रखें कि अगर आप विवाह संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो यहाँ पर आपको वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में ईमानदारी बहुत आवश्यक है। वैवाहिक संबंधों में अगर आप ईमानदार हैं तो आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि ये दोनों महीने ऐसे होंगे जब आपका साथी बहुत ही ईमानदारी की बात करेगा, यानी चाहेगा कि आप उसके साथ संबंधों में ईमानदार रहें और इसके लिए वो आपसे बात भी करेगा। और अगर आपके विवाह से अलग कोई संबंध है तो इन दोनों महीनों में बिल्कुल आपके साथी को पता चल सकते हैं और वहाँ वाद विवाद बढ़ सकता है, इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। और अगर कोई मतभेद हैं उनको समाप्त करना चाहते हैं, मई का महीना बेहतर है, आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। जीवन साथी के साथ कोई न कोई आपकी यात्रा बनती है, आप उस यात्रा पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि संबंधों में और भी मधुरता आएगी और छोटे मोटे वाद विवाद तो आपके खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे। तो वैवाहिक संबंधों के लिए भी अच्छा समय है। मई का महीना ज्यादा बेहतर है, जून के महीने में सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। आपसी वाद विवाद भी आप इन महीनों में समाप्त कर सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें, वहां अगर कोई वाद विवाद है तो वो बड़ा हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ कोई भी वाद विवाद ना हो इस बात का ध्यान रखें। बाड़ी को संयमित रखना बहुत ही आवश्यक है, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है वैवाहिक संबंधों में और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ। अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, किसी से आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा रिश्ता आए जहां से आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सके तो ये दो महीने ऐसे हैं जब आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जहां पर आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है और आपके जीवन में कोई ना कोई साथी आ सकता है, यानी आपके शादी की बात पक्की हो सकती है या शादी हो सकती है। मान लीजिए अगर आपकी शादी की बात कहीं चल रही है, छोटी मोटी बातों को लेकर बातचीत अटकी हुई है तो वहां पर भी मई का महीना बेहतर है, आप प्रयास करें, आपकी बातचीत बन सकती है, शादी की बात पक्की हो सकती है, शादी भी हो सकती है। और आप देखेंगे कुछ हम नाम वाले लोगों की मई और जून के महीने में शादी होगी भी। तो वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं, आपको मेरी सलाह है, क्योंकि थोड़ी सी गलतफहमियां
वैवाहिक संबंध और प्रेम संबंधों में रहने वाली हैं मई और जून के महीने में, तो वहां पर आप छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें, गलतफहमियों को बिल्कुल ना बढ़ने दें। अगर कोई भी बात होती है तो स्पष्टता से उसको हल करें, सुलझाएं, और कोई बातें अगर आपने अपने साथी से छुपा रखी हैं तो शेयर करें। वहां पर कोई भी बात विवाद ना होने दें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर आप चलें। उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय आपके लिए यही है कि आप सूर्य भगवान को रोजाना तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, सुबह नहा धोकर अर्पित करें और उसमें थोड़ा सा लाल फूल डालें, थोड़ी गुड़ डालें और सूर्य भगवान को अर्पित कर दें। रोजाना करें बहुत बेहतर है, रोजाना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम रविवार को अवश्य करें, और रविवार के दिन ही श्री आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम रविवार वाले दिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं, आप देखेंगे काफ़ी लाभ प्राप्त होगा आपको। मित्रों, आज मैंने आपसे टी नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।